तो ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज आप उस चक्कर में मत पड़िए। अरे तो एक ही, अरे सर सर, अरे इतना बॉक्सिंग मैच हो रहा है, इतना इतना सवाल रखिए। ये हमारी बातचीत पहले से चल रही है, फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, सिक्स सेवन, ये सब तय हो चुका है। तो इसमें आपको कोई ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं चाहिए, ये तय हो चुका है। अभी वामन मिश्राम साहब ने और हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि 95% सीटों पर पूरा तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा। एक हमारे हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आपने कहा कि दलित सीएम और आपने कहा ओबीसी सीएम, सवाल ये मुस्लिम सीएम क्यों नहीं पहला और दूसरा, क्या चंद्रशेखर को साथ ले रहे हैं क्या, ये दो सवाल एक साथ कर रहे हैं। नहीं अब ये अभी आपके सामने हमको टेलीफोन आ रहा भाई, अरे बोलेंगे ना चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा, तो हम बता देते हैं, बोल दो ना, सुन लो, चंद्रशेखर का हमको टेलीफोन आ रहा है, बार बार टेलीफोन आ रहा है, तो बात हुई है, तो वो जो हमने पहले कहा ये दरवाजे खुले हैं तो फिर वो बातें होंगी ना। चलो आप मैंने मुझे कुछ नहीं, जरा एक एक करके पूछिए, एक एक करके। तौकीर रजा साहब ने कांग्रेस का पत्र दिया है, उन्होंने बोला है कि ओवैसी साहब को क्योंकि पूरे पूरे माहौल को देखते हुए और बीजेपी को क्योंकि हराना है इसलिए उन्हें इन चुनाव से दूर रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से दूर रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कुर्बानी देनी चाहिए उनकी राय हो सकती है। मेरा सवाल ये है, आप बोलिए विशाल, मेरा सवाल ये है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए कांग्रेस के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, और जब मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझसे ज्यादा बेहतर चेहरा आपको उत्तर प्रदेश में क्या नजर आता है, और ये भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं समर्थन। मैं कांग्रेस तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। नो कमेंट। सपा कहती है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार 325 प्लस, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है। ये तीसरे स्टेज की लड़ाई के लिए, देखिए ये जो लड़ाई है ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं, और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है, जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। आपने पहले कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ अरे अरे आप लिस्ट देखते जाइए ना, 400 पूरे नंबर आ जाएंगे आपके, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके पास, क्यों आपको, आप फिक्र मत रहिए, मुतमइन रहिए। मुस्लिम सीएम के इशू पर आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि सुनिए सुनिए सुनिए, ये बात तय हो चुकी है जिसका जिक्र अभी हमारे कन्वीनर साहब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा, वामन मिश्रा साहब ने कहा, उसी पर हम खाएंगे। सर आजम खान के रिहाई के हवाले से, आजम खान की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं, अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पे देखा जाए, तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ पहले समझ लें, उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ लें। ना नो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सब क्लियर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएनडी और सपा के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सपा के भी नामांकन हो रहा है और आरएनडी का भी नामांकन हो रहा है, क्या सिर्फ पटवन की शुरुआत नहीं हो गई है? अच्छी बात है ना, मुबारक हो, मुबारक हो, बल्कि उनका हसनपुर का जो कैंडिडेट है माशाल्लाह से वो तो आरएसएस के है और उनकी फोटो भी आई है, और माशाल्लाह से जो लोनी के आरएलडी के कैंडिडेट हैं उनके ताल्लुक से कहा गया कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के राइट्स में भी उनका जिक्र खैर आ रहा है, वो बता दें वो भी, तो अब ये तो ऐसा है तो ये ठीक है आ रहा है सामने, देखिए जितने पॉलिटिकल पार्टी का और पॉलिटिकल पार्टी का आपने भी नाम लिया,
क्या समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर ये कहा कि फिजिकल रैली अलाउ की जाए, सिवाय हमारी पार्टी के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर नहीं लिखा। मैं शुक्रगुजार हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि हमारी उनसे नोटिफिकेशन आने के 2 दिन के अंदर हमसे फोन पर बात किए, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को एक विधानसभा में 500 लोगों के साथ फिजिकल रैली करने की इजाजत दीजिए पूरा कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। और फिर हमने यही बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर भी दिया, हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यह है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तो आपको भी लिखकर देना चाहिए था, आपने क्यों लिखकर नहीं दिया? हमने तो लिखकर दिया है और हमको यकीन है कि इलेक्शन कमिश्नर उस पर गौर करेंगे और उस पर एक फैसला लेंगे। अब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिजिकल रैली की और पदयात्रा की परमिशन नहीं है तो फिर हमको जो कर सकते हैं वो करना पड़ेगा ताकि हमारा मैसेज हमारा पैगाम जनता तक पहुंच सके। नहीं है मगर हमारे ताल्लुका शिवपाल यादव साहब से पर्सनली और रहेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी ने चुनावी रथ निकाला है करीब सैकड़ों जिसमें पोस्टर लगे हैं, एलईडी लगी हुई है, आपने कहा तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं? अगर वो परमिशन नहीं लिए है ईसीआई से तो जाहिर एक्शन लेना चाहिए, अगर परमिशन लिए मुझे नहीं मालूम ये नहीं। सर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कहा कि वर्चुअल रैली होगी, ऐसे में छोटी पार्टियां जिनके पास संसाधन नहीं है उस लेवल पे, वो क्या अपने मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएंगे, उसका तरीका क्या होगा और क्या आप इलेक्शन कमीशन से फंड की का रिकमेंड करेंगे छोटी पार्टियां? इलेक्शन कमीशन से फंड करने का तो वो तो एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है, मगर अब जो भी है जिस तरह से है उसको हमको देख के आगे बढ़ने की जरूरत है। एक सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर की जो सपा एलएलडी की लिस्ट आई है उसमें कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, क्या मुजफ्फरनगर दंगों में जो चीजें हुई थी उसको भरपाई करने की मैनेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिम कैंडिडेट ना हो वहाँ पे सामने? मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की पोलिटिकल वॉइस को दबाने की कोशिश हो रही है।